एडोबी इलस्ट्रेटर सीसी 2018, ये इसका पूरा नाम है भी यहाँ पे। तो एडोबी क्या है? एडोबी तो कंपनी का नाम हो गया, और जो इलस्ट्रेटर है वो हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर का नाम है। और सीसी ये क्रिएटिव क्लाउड है, इससे पहले ना सीएस हुआ करता था, सीएस। तो सीएस का मतलब होता था क्रिएटिव सूट, तो अब ये सब क्लाउड बेस्ड हो गया है, तो ये इसलिए इट इज सीसी स्टैंड फॉर क्रिएटिव क्लाउड। और 2018 ये भी हम वर्जन कर रहे हैं, 2018। हालांकि ये 2020 भी मार्केट में आ चुका है, वैसे ये लॉन्च हो गया है। एडोबी इलस्ट्रेटर 2020 में क्या नया है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, राइट। तो हाँ इलस्ट्रेटर के बारे में आप थोड़ा सा पहले लिख लो, एडोबी इलस्ट्रेटर इज अ वेक्टर बेस्ड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, ये लाइन आप लिख लें। तो देखो, जब हम ग्राफिक्स की बात करते हैं ना, तो ग्राफिक्स दो तरह की ग्राफिक्स होती हैं। पहले आप ना ग्राफिक्स की भी डेफिनेशन लिख सकते हो, व्हाट इज ग्राफिक्स, जो भी हम बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक्स ग्राफिक्स हम बहुत बोलते हैं। तो ग्राफिक्स से मतलब होता है एनी मार्क, एनी साइन, लाइक वट एवर वी सी ऑन एनी सरफेस, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक्स। यानी कि किसी भी सरफेस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की विजुअल अपेयरेंस इज कॉल्ड ग्राफिक्स। ये लिखते रहे ना जो मैं बोल रहा हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट की विजुअल अपेयरेंस किसी भी सरफेस के ऊपर इज कॉल्ड ग्राफिक्स। अब वो सरफेस कुछ भी हो सकता है, सरफेस मे बी ग्लास, दिस सरफेस मे बी पेपर, मे बी व्हाइट बोर्ड, मे बी योर स्क्रीन, मे बी वॉल, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी सरफेस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की विजुअल अपेयरेंस इज कॉल्ड ग्राफिक्स, ठीक है। अब ये ग्राफिक्स दो तरह की होती हैं, ग्राफिक्स आर टू टाइप्स। नंबर वन इज रास्टर ग्राफिक्स, नंबर टू इज वेक्टर ग्राफिक्स। अब देखो, मैं थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में बता देता हूँ क्या होता है। एक चीज आप यहाँ पे ये भी लिख लो, रास्टर ग्राफिक्स आर मेड बाय पिक्सल्स, ये आपको नोट करना है, आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए रिटर्न में। ये हमने यहाँ पे कोई भी एक इमेज को प्लेस कराया, ये एक इमेज है, एक फोटो है। जब हम इसको इमेज को बड़ा करते हैं, जूम करते हैं, तो क्या होता है, हमें पिक्सल्स नजर आते हैं, ये पिक्सल्स नजर आते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आते हैं। तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन इमेज, किसी भी इमेज का ये सबसे छोटा पार्ट, दैट इज इन स्क्वायर शेप एंड कैरी ए कलर। इमेज का सबसे छोटा पार्ट जो स्क्वायर शेप में होता है और उसमें अलग अलग एक एक कलर होता है, इसी को हम पिक्सल कहते हैं, पिक्सल्स। तो जिन ग्राफिक्स में ये पिक्सल्स होते हैं उसको हम रास्टर ग्राफिक्स कहते हैं। तो अब ये रास्टर ग्राफिक्स क्या क्या हो सकती है, एग्जाम्पल नंबर वन एग्जाम्पल इज इमेज। कोई भी इमेज, को भी फोटो जो भी आप कैमरे से शूट करते हो, वो सब एग्जाम्पल है रास्टर ग्राफिक्स का, पहली चीज। दूसरा, जो भी आप स्कैनर के थ्रू स्कैन करते हो, कुछ भी आपने, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी अपने नोट्स आपने स्कैन किए स्कैनर के थ्रू, तो जो स्कैन का जो फॉर्मेट होता है वो भी इमेज में होता है, मतलब वो भी रास्टर ग्राफिक्स है। सो दैट मीन्स स्कैन्ड कंटेंट इज रास्टर ग्राफिक्स, कुछ भी आप स्कैन करोगे वो पिक्सल्स में ही आएगा। क्लियर है? तो ये एग्जांपल हो गए किसके, रास्टर ग्राफिक्स के। तो मैंने बताया रास्टर ग्राफिक्स आर दैट इज मेड बाय पिक्सल्स, ये सब पिक्सल से मिलके बनते हैं, इसलिए हम इनको रास्टर ग्राफिक्स कहते हैं। और जूम करने पर, बड़ा करने पर इनके अंदर पिक्सल्स हमें डिस्प्ले हो जाएंगे, पिक्सल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज होती है वेक्टर ग्राफिक्स। सो वेक्टर ग्राफिक्स आर दैट इज मेड बाय डॉट्स एंड लाइंस। वेक्टर ग्राफिक्स वो होती है जो डॉट्स और लाइन से मिलकर बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रेक्टेंगल मेरे पास है यहाँ पे, तो ये रेक्टेंगल कैसे बना, इसमें चार डॉट हैं और चार लाइंस हैं, तो ये लाइन और डॉट से मिलके एक शेप बनी, इसको हम बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। और इसमें हम कोई भी कलर फिल करेंगे, इसको हम बड़ा करेंगे, जूम करेंगे, सी देर इज नो पिक्सल इनसाइड,
इसमें कोई पिक्सल नहीं होता। इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे एकदम एकदम फ्लैट कलर नजर आएगा, एकदम स्मूथ कलर नजर आएगा। देर इज नो वेरिएशंस, यहाँ पे अलग अलग पिक्सल्स नहीं है जिसमें अलग अलग कलर हो। ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है और इसमें एक ही कलर है। तो ये एग्जाम्पल हो गया वेक्टर ग्राफिक्स का। चाहे आप जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, या फिर आप पेन टूल से कोई भी एक रेंडम कोई भी एक शेप बनाओ क्लिक क्लिक करके। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो एक पॉइंट बना या एक नोड बना आप कह सकते हो। तो ऐसे ऐसे पॉइंट बनेंगे, ऐसे पॉइंट बनेंगे एंड फाइनली आप क्लोज कर लोगे तो एक शेप हमारे पास तैयार हो जाएगी। और उस शेप के अंदर बाद में कोई भी कलर फिल किया जा सकता है। तो इस तरह की जो शेप हमने बनाई है ये डॉट्स और लाइंस का यूज करके, दिस इज द वेक्टर ग्राफिक्स। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया जी, ये रास्टर में और वेक्टर में ये डिफरेंस होता है। अगर मैं इसको जूम करूं, सी दिस वन, दिस इज द रास्टर ग्राफिक्स, दिस इज द वेक्टर ग्राफिक्स। तो जैसे कि फोटोशॉप आप लोगों का हो चुका है, तो फोटोशॉप का नेचर क्या है? रास्टर है। फोटोशॉप का नेचर, नेचर ही उसका रास्टर है। मतलब वहां पे आप जो भी बनाओगे फोटोशॉप में, चाहे आप कोई किसी इमेज को ओपन करो, चाहे आप वहां पे कुछ भी टेक्स्ट लिखो, चाहे पेन टूल से ही कोई आप ऐसी ही कोई शेप बना दो, वहां पर उसमें पिक्सल बनेगा ही बनेगा। पिक्सल के बनने को फोटोशॉप में नहीं रोका जा सकता, क्योंकि फोटोशॉप का नेचर ही रास्टर है। रास्टर मतलब पिक्सल बेस्ड। तो फोटोशॉप का आउटपुट कभी भी वेक्टर नहीं हो सकता, हमेशा रास्टर रहेगा। ठीक है, बट रास्टर इज नॉट ए कर्स। अब रास्टर है इसका क्या मतलब है? वो फोटोशॉप बेकार थोड़ी है। दैट मीन्स कि अगर हमें प्रिंट करवाना है तो रिजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। अगर रिजोल्यूशन अच्छी होगी तो फिर ये रास्टर का होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपने कोई डिजाइन कम रेजोल्यूशन पे बना दिया, 72 रेजोल्यूशन पे अगर आपने बना दिया, तो फिर प्रिंटिंग में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्रिंट अच्छा नहीं होगा, ब्लर हो जाएगा प्रिंट आपका, प्रिंट थोड़ा सा हेजीनेस उसमें दिखेगी। प्रिंटिंग के अंदर जो प्रिंटिंग है वो ब्लर हो जाएगी, फटी फटी प्रिंटिंग आएगी। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है फोटोशॉप में काम करने में, पिक्सल्स होते हैं तो कोई इशू नहीं है। रेजोल्यूशन का बस आपको ध्यान रखना है। प्रिंटिंग का जो हमारा जो एक क्राइटेरिया है रेजोल्यूशन का, दैट इज 300। 300 रेजोल्यूशन पे आप काम करेंगे फोटोशॉप में, और CMYK के कलर मोड के साथ काम करेंगे तो प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा हम बात कर रहे हैं किसकी? इलस्ट्रेटर की। तो इलस्ट्रेटर ये हो गया हमारा वेक्टर बेस, यहाँ पे तो सब कुछ वेक्टर बनेगा ही, ये कुछ फटेगा नहीं। क्लियर है जी? तो ये दो ग्राफिक्स के बारे में मैंने आपको बताया, रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स। फोटोशॉप का नेचर रास्टर, इलस्ट्रेटर का नेचर वेक्टर। अच्छा जी, इतना हो गया। अब एक चीज यहाँ पे ये है, इलस्ट्रेटर वेक्टर बेस्ड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, ये हमें समझ में आ गया। दूसरी चीज आप लिख सकते हैं, इट सपोर्ट मल्टीपल पेजेस। इलस्ट्रेटर मल्टीपल पेज को सपोर्ट करता है। जैसे फोटोशॉप में हम एक बार में एक ही पेज डिजाइन कर सकते हैं, एक ही हमारे पास कैनवास होता है, बट इलस्ट्रेटर में मल्टीपल कैनवास होते हैं, मल्टीपल आर्ट बोर्ड होते हैं। अब देखो यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर हम कैनवास बोलते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट का साइज है, जो पेज साइज है आप कह सकते हो, तो पेज को ही कैनवास साइज बोला जाता है और पेज को ही आर्ट बोर्ड बोला जाता है। बात एक ही है, किसी अलग सॉफ्टवेयर में जैसे कोरल है, इनडिजाइन है, इसमें हम बोलते हैं पेज, एक पेज, दो पेज, तीन पेज। ठीक है, इसी तरीके से पेज का मतलब क्या हुआ? डॉक्यूमेंट साइज जिस पे हम काम कर रहे हैं, हमारा वर्किंग एरिया, वो चाहे A4 की शीट हो सकती है, A3 की शीट हो सकती है, या कोई लेटर साइज हो सकता है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेटर में उसी को आर्ट बोर्ड कहा जाता है, बात एक ही है। तो अब हम आगे देखते हैं, दो चीजें क्लियर हो गई है, वेक्टर बेस है, मल्टीपल पेजेस को सपोर्ट करता है। सो नाउ हाउ टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। देखो किसी भी सॉफ्टवेयर में सिंपल है, सभी सॉफ्टवेयर में एक ही चीज है, कंट्रोल एन। किसी भी सॉफ्टवेयर में जब हम न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो क्या करते हैं? फाइल में जाते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे न्यू, कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट होता है, वही हमें करना है। यहाँ पर आ गए, न्यू डॉक्यूमेंट हमने लिया,
तो जब हम न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे तो अब वो आपसे सारी चीजें पूछ लेगा, आप किस पर्पज से काम करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे रिसेंट, रिसेंट में मैंने जो साइजेस यूज किए होंगे वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। कोई मैं साइज सेव करके रख लूंगा तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। किसी मोबाइल के लिए जैसे हमें यूआई तैयार करना है तो किस फोन के लिए करना है, क्या साइज उसका रहेगा, तो वो साइज हम यहाँ से ले सकते हैं उसका यूआई तैयार करने के लिए। अलग अलग साइजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, कोई भी साइज हम चूज कर सकते हैं। इसी तरीके लिए वेबसाइट के लिए कोई वेब टेम्पलेट आपको तैयार करना है, किसी वेबसाइट का यूआई आपको तैयार करना है, तो ये वेबसाइट के अलग अलग साइजेस हैं, वो सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। प्रिंट में जाएंगे तो प्रिंट से रिलेटेड जो कॉमन साइजेस हैं वो अवेलेबल हैं, लेटर साइज है, A4 है, A3 है, टेबलेट साइज है, तो सारे साइजेस अवेलेबल हैं। फिल्मेंट वीडियो में जाओगे तो कोई वीडियो से रिलेटेड आपको साइज चाहिए वो साइज आपको मिल जाएगा। किसी वीडियो का कोई थंबनेल आपको डिजाइन करना है तो उसके साइजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वो साइज हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस में जाएंगे तो ये यहाँ पे पोस्टर है, पोस्ट कार्ड है, कोई ग्रीटिंग कार्ड आपको डिजाइन करना है, उनके कॉमन साइजेस अवेलेबल हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं करती है तो हम यहाँ से डॉक्यूमेंट का साइज डाल सकते हैं, ये उसकी विड्थ हो गई और ये हो गई हाइट। क्लियर है? विड्थ और हाइट के साथ में ही है हमारे पास मेजरमेंट यूनिट। हमें जो भी साइज लेना है वो किसी न किसी यूनिट में तो लेना पड़ेगा, चाहे इंचेस में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसका यूज कर सकते हो। हम ज्यादातर जो डिजाइनर्स हैं, जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, वो इंचेस में, सेंटीमीटर्स में काम करते हैं, बट जो वेब डिजाइनर्स हैं वो काम करेंगे पिक्सल्स में। यानी कि वेब डिजाइनर्स हैं या हम ही अगर काम कर रहे हैं किसी डिजिटल पर्पस के लिए, ठीक है, मुझे कोई YouTube के ऊपर कोई बैनर मुझे बनाना है, चैनल का कोई बैनर मुझे बनाना है, ठीक है, Facebook के लिए कोई बैनर तैयार करना है, Facebook के लिए कोई पोस्ट डिजाइन करनी है, या किसी वीडियो का थंबनेल कोई जनरेट करना है, दैट मीन्स किसी भी डिजिटल पर्पज से अगर आप काम करना चाहते हैं तब आपको यूनिट लेनी होगी पिक्सल। और अगर आप काम करें प्रिंटिंग के लिए देन इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इंचेस, सेंटीमीटर। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, बताइए अनुआ। यस सर, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? 100। ओ माय गॉड, 1 इंच में 100 सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आदि आप बताओ। वो स्केल रहता है ना 30 सेंटीमीटर्स का, 12 इंच का रहता है, तो लगता है कि 2.5 ऐसा कुछ होगा। हाँ, ऐसा ही है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, राइट? अगर नहीं पता है तो लिख सकते हैं, आप लिख लो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। आगे आप लिखो 1 इंच में 6 पाइका। देखो ये पाइका पॉइंट्स ना, ये भी मेजरमेंट यूनिट होती है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में यूज होती है। यहाँ पे ये जो पाइकाज आ रहे हैं, पाइका, 1 इंच में 6 पाइका लिखो, 1 इंच में 6 पाइका, और 1 पाइका में 12 पॉइंट। सो हाउ मेनी पॉइंट्स इन इंच? इट इज 72। 1 इंच में 72 पॉइंट्स होते हैं, तो ये पाइका पॉइंट से भी मेजरमेंट यूनिट है। ठीक है जी, आप जिस भी यूनिट के साथ कंफर्टेबल हो उसका आप यूज कर सकते हो। विड्थ हाइट मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ये है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब क्या है? वर्टिकल पोजीशन ऑफ पेज या फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ पेज। पेज की पोजीशन अगर हॉरिजॉन्टल होगी, हमारा डिजाइन हॉरिजॉन्टल अगर है तो उसको हम बोलते हैं लैंडस्केप, और अगर वर्टिकल पोजीशन है तो दैट इज कॉल्ड पोर्ट्रेट।
क्लियर है? तो जो भी आपको वो चाहिए ओरिएंटेशंस में, जो भी डायरेक्शन आपको चाहिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वो यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया लैंडस्केप, ये हो गया पोर्ट्रेट। यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ आर्टबोर्ड। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड मतलब नंबर ऑफ पेजेस, तो जितने पेजेस आपको लेने वो डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट फीड फोर आर्टबोर्ड हेयर, बट इट इज नॉट लाइक फर्स्ट एंड लास्ट। लेटर ऑन लाइक वी कैन चेंज नंबर ऑफ पेजेस, लेटर ऑन वी कैन चेंज नंबर ऑफ पेजेस। हम इसको एडिट कर पाएंगे, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड हमें कितने चाहिए, उनका साइज क्या चाहिए, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ये ब्लीड वगैरह क्या होगा ये हम बाद में देखेंगे, ब्लीड क्या चीज होती है। बस यहाँ पे चार आर्टबोर्ड मैंने लिए, A4 की शीट मैंने ली और यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे चार आर्टबोर्ड मेरे पास क्रिएट हो गए, राइट? अच्छा, अब इसी तरीके से देखा जाए तो अब ये अभी हमारे सामने पूरा इंटरफेस इलस्ट्रेटर का ओपन हो गया है, राइट? तो अभी यहाँ पे हमने कितने आर्टबोर्ड लिए, चार आर्टबोर्ड। मैं बात कर रहा था इंटरफेस की, तो ये पूरा इंटरफेस आपके सामने है। दैट मीन्स सबसे ऊपर अगर हम देखें तो ये यहाँ पे ऑप्शंस हैं, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, इसको मेन्यू बार बोलते हैं, राइट? मेन्यू बार में हमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो कौन से ऑप्शन से क्या काम होगा ये सब हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है जी, इसके साथ यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका आ गया पूरा टूल बार। यहाँ पे ये बहुत सारे टूल्स हैं जिनको लेके हम काम कर सकते हैं। हर टूल्स का, एक एक टूल्स का यूज मैं बताऊंगा, कौन से टूल से क्या काम होता है। अभी ये जो टूल्स हैं ये दो कॉलम के अंदर आ रहे हैं। आपको सिंगल कॉलम चाहिए तो यहाँ पे जो एरो आप देख रहे हो इस पे क्लिक कर सकते हो। सिंगल कॉलम में आपको टूल बार चाहिए या फिर डबल कॉलम में चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर लेना। बाकी जो पैलेट्स है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी काम की। तो अभी हम यहाँ पे देखें तो इसका जो ये वर्क स्पेस है, आप ये पेंटिंग के अकॉर्डिंग अपने वर्क स्पेस को आप थोड़ा चेंज कर सकते हो। तो दैट मीन्स अगर कोई आर्टिस्ट है और कोई कोई पेंटिंग वगैरह वो कुछ यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से ये इंटरफेस एडजस्ट हो जाएगा। मतलब ये पूरा जो कंट्रोल पैलेट है, ये सारे पैलेट्स हैं अलग अलग, तो जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, तो उसके लिए थोड़ा सा काम करना आसान हो जाएगा। तो आप जिस भी पर्पज से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वेब से रिलेटेड कुछ काम करना चाहता हूँ, तो जो इसका जो वर्क स्पेस है मैं यहाँ पे ये वेब ले लूंगा, तो वो वेब से रिलेटेड वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पे सारे आइकन्स उसी से रिलेटेड मिलेंगे हमें। आप अपना एक न्यू वर्क स्पेस बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पेंटिंग में मैं गया, तो हम इन पैनल्स को ना अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, राइट? जैसे जैसे मुझे ब्रशेस चाहिए, तो ये ब्रश का पैनल देखो मैंने क्लिक करके ड्रैग कर लिया बाहर, ये बाहर आ गए ब्रशेस सारे। ठीक है, ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स मैंने बाहर निकाल दिए इस तरीके से। ये कलर गाइड है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया है। स्वेचेज हैं, इनको बाहर कर लिया। कलर हैं, इनको बाहर कर लिया। तो आप जब चाहो इनको सबको अलग अलग ऐसे कर सकते हो, ऐसे बाहर मैं निकाल दूंगा। ठीक है, और बाद में जो चीजें हमें नहीं चाहिए हम हटा सकते हैं। ये लेयर्स है, लेयर्स हमने यहाँ पे रखा। अब बाद में वापस हम इनको फिर एक साथ कोलैप्स कर सकते हैं, उसको मर्ज कर सकते हैं उसके साथ में। जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये लेयर पैलेट है, इसके साथ साथ हाँ मैं जी मुझे स्वेचेस भी डालना है, तो स्वेचेस को पकड़ के इसके साथ मैं ऐसे एडजस्ट कर दूंगा। ये देखो लेयर स्वेचेस दोनों एक साथ आ गए। ठीक है, लेयर आ गया, स्वेचेस आ गया। अब आपको यहाँ पे ये ब्रशेस भी चाहिए, तो ब्रश को आप यहाँ पे क्लिक करो, ये भी आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो अब ये तीन पैनल एक ही पैनल के साथ यहाँ पे आ गए हैं, एक ही साथ मर्ज हो गए एक तरीके से। कलर भी चाहिए आप कलर भी ले सकते हैं, ऐसे आप एडजस्ट कर लो। इस ये नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल कलर गाइड नहीं चाहिए, इसको क्लोज कर दो यहाँ से। ये स्ट्रोक हमें चाहिए, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। ये फॉर एग्जांपल नहीं चाहिए तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इनको यहाँ पे रख लेते हैं। ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा इंटरफेस चाहिए, ये सारी चीजें आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, न्यू वर्क स्पेस पे जा सकते हो, राइट? मतलब कस्टम जो वर्क स्पेस है ये हमने कस्टम बना लेना अपने हिसाब से। यहाँ पे तो ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट यहाँ पे इंटरफेस है, ये सारे इंटरफेस क्या है, डिफॉल्ट है, ऑटोमेटिकली सेट होंगे। तो
ये हमने अपना बना लिया, हमें लेयर्स की जरूरत थी, स्वेचेस की जरूरत थी, ब्रश की जरूरत थी, कलर की जरूरत थी, अपनी जरूरत के हिसाब से ये पैनल हमने यहाँ पे रखे। और अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं न्यू डॉक्यूमेंट कभी खोलूँ तो वो यही पैनल्स मुझे मिले, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अपना जो वर्क स्पेस है उसको डिफाइन करना होगा, न्यू वर्क स्पेस। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसको सेव कर लूंगा किसी भी नाम से, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया फर्स्ट क्लास, इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर देखो ये आ गया ऊपर फर्स्ट क्लास। ये मैंने अपने नाम से भी एक वर्क स्पेस बनाया हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये जाकिर के नाम से था। तो जैसे जैसे यहाँ पे ये पैनल पड़े हुए थे जब मैंने इसको सेव किया तो ये उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन यहाँ पे हो गया। अब हमें चाहिए फर्स्ट क्लास वाला, तो फर्स्ट क्लास पर हम जाते हैं, ये देखो आपके हिसाब से आ गया, क्लियर है। यस सर। अच्छा जी, तो ये सब हमने सेट कर लिया, ये हमारे पास वर्क स्पेस है जिस पे हम काम अभी करने वाले हैं। और स्पेस बार से हम पैनिंग करा सकते हैं, पैनिंग स्पेस बार से। स्पेस बार से क्या करेंगे, ऐसे पैनिंग करा पाएंगे, पैनिंग मतलब पूरा जो वर्क स्पेस है वो ऐसे पैन करेगा। दैट मीन्स अगर मैंने इसको जूम किया हुआ है तो जैसे पूरा पेज अभी नहीं दिख पा रहा है, मुझे पेज के टॉप एरिया में जाना है तो मैं यहाँ पे स्पेस बार यूज करूंगा, ये हैंड टूल आ जाएगा ऐसे, और मैं ऐसे क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, तो मुझे लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, टॉप में जाना है या बॉटम में जाना है, सो आई कैन मूव। ठीक है, अच्छा मैं पूरे पेज को एक ही बार में पूरा देखना चाहता हूँ, इसको फिट करना चाहता हूँ, तो इसको बोलते हैं फिट ऑन स्क्रीन या फिट ऑन विंडो, Ctrl 0 इसका शॉर्टकट होता है। तो Ctrl 0 करने से हमारा जो पेज है वो विंडो में ऐसे फिट हो जाएगा, राइट। जूम इन जूम आउट करने के लिए हमें सिंपल Ctrl- करना है, Ctrl- होगा जूम आउट के लिए, Ctrl+ होगा जूम इन करने के लिए, राइट। इसके अलावा मैं ऑल्ट प्रेस करके माउस से स्क्रॉल कर सकता हूँ जूम इन जूम आउट करने के लिए, जूम इन जूम आउट करने के लिए ऑल्ट प्रेस करना है, माउस से स्क्रॉल करेंगे जूम इन जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्टली आप यहाँ पे जूम टूल ले सकते हैं, यहाँ पे जेड शॉर्टकट होता है जूम टूल का, आप इसका भी यूज कर पाओगे जूम इन जूम आउट करने के लिए, राइट। मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा, ये जूम इन होगा, ऑल्ट के साथ ये जूम आउट हो जाएगा। तो ये दो तीन तरीके हो गए जूम इन जूम आउट करने के, हम ऐसा कर पाएंगे। अभी हमारे पास एक ही पेज है, अभी हमने 4 आर्टबोर्ड लिए थे, अभी जो पिछला जो वर्जन हमने ऑन किया हुआ था, तो मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ, Ctrl W, Ctrl W जस्ट क्लोजिंग द फाइल। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखना, Ctrl N न्यू डॉक्यूमेंट और Ctrl W क्लोजिंग द फाइल। फाइल को बंद करने के लिए, फाइल को क्लोज करने के लिए Ctrl W यूज करना है। तो न्यू डॉक्यूमेंट मैंने लिया, बाकी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, हमने यहाँ से लिए 8 बोर्ड, 4 आर्टबोर्ड मैंने ले लिए फिलहाल, A4 की शीट है क्रिएट किया, तो ये 4 आर्टबोर्ड हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। 4 आर्टबोर्ड मतलब 4 पेजेस, मैं चारों पेजेस पे अलग अलग काम कर सकता हूँ। तो इन 8 बोर्ड को एडिट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 8 बोर्ड टूल के ऊपर, ये 8 बोर्ड टूल होता है, यहाँ पे बस हमें क्लिक करना है, ये देखो ये 4 8 बोर्ड एक एक करके सेलेक्ट हो रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये 8 बोर्ड मुझे नहीं चाहिए, तो अभी ये सिलेक्ट है, आई कैन डिलीट, ये मुझे नहीं चाहिए। पोजीशन मुझे मूव करनी है, मैं पोजीशन मूव कर सकता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रखा, इसको इधर रखा, क्लियर है। साइज हमें चेंज करना है, A4 की शीट है, फॉर एग्जाम्पल मुझे A3 की शीट चाहिए, तो यहाँ पे ये सारे प्रीसेट्स आ गए, A3 का साइज मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, A3 का साइज आ गया। इसका ओरिएंटेशन फॉर एग्जाम्पल मुझे चेंज करना है, अभी यहाँ पे ये पोर्ट्रेट है, मुझे लैंडस्केप में चाहिए, तो यहाँ से हम कर पाएंगे जी, ये हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पेज कर दिया, इसको वर्टिकल यानी कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। इसके अलावा और कोई कस्टम साइज आपको चाहिए बाद में, तो दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द हाइट। अभी देखो जो यूनिट है वो किस में दिख रही है, यूनिट अगर मैं इस पेज को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यूनिट इज इन MM, MM के अंदर आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चाहिए इंचेस के अंदर, तो इसके लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा, मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा रूलर बार को, सो Ctrl R इसका शॉर्टकट होता है, Ctrl R
इज द शॉर्टकट टू शो एंड हाइड रूलर बार। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और यहां से मैं यूनिट बाद में भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहां से मैं इसको कर लेता हूँ इंचेस, ये इंचेस में आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्क्वायर चाहिए 5x5 इंच का, तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे, ये विड्थ है ये 5 इंचेस की। तो यहां से हम यूनिट चेंज कर सकते हैं, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जो भी आपको करना है। स्पेसिफिक साइज जो था वो हमने यहाँ से डाल दिया है, राइट। यहाँ पर ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब एक नया आर्टबोर्ड मुझे बनाना है, तो बस ये आर्टबोर्ड टूल सिलेक्ट होना चाहिए और जैसे रेक्टेंगल बनाते हैं उस तरीके से ड्रॉ कर दो, ये बन गया रेक्टेंगल। तो कहने का मतलब है कि हम मल्टीपल आर्टबोर्ड पे यहाँ पे काम कर सकते हैं, जितने आर्टबोर्ड चाहिए आप उतने आर्टबोर्ड इस तरीके से बना सकते हो, जो नहीं चाहिए फिर बाद में उनको डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी की 4 चीजें हमें बनानी है, जैसे हमें बनाना है एक लोगो, तो इस पे मैं बना दूंगा लोगो, ये हो गया विजिटिंग कार्ड, ये हो गया लेटर हेड, इसको मैं A4 की शीट में यहाँ पे ले लेता हूँ A4 साइज, ये लेटर हेड हो गया हमारा, यहाँ पे मैं विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर लूंगा, ये विजिटिंग कार्ड हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, लेटर हेड हो गया। यहाँ पे मैं बना दूंगा इनवलप, तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे लैंडस्केप। तो एक ही फाइल में 4 डिजाइन मैं बना पाऊंगा, और भी बना सकते हो मल्टीपल, ऐसा नहीं। जैसे ब्रोशर मुझे बनाना है तो मैं ब्रोशर के लिए यहाँ पे एक साइज और बना दूंगा। फॉर एग्जांपल एक A3 की शीट ले लेते हैं, यहाँ से A3 का साइज लिया और इसको मुझे लैंडस्केप में रखना है, तो यहाँ पे इसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके इसके ऊपर एक ब्रोशर बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले क्या हुआ करता था, इलस्ट्रेटर की एक फाइल में एक ही डिजाइन बना पाते थे, एक ही आर्टबोर्ड हुआ करता था, बट यहाँ पे मल्टीपल आर्टबोर्ड को सपोर्ट करेगा, दैट मीन्स इन ए सिंगल फाइल हम मल्टीपल डिजाइन बना सकते हैं, यहाँ पे लोगो, विजिटिंग कार्ड, यहाँ पे लेटर हेड, यहाँ पे इनवलप, यहाँ पे ब्रोशर, और भी जो भी कुछ बनाना है ऐसे हम मल्टीपल आर्टबोर्ड पे बना सकते हैं। तो ये मैंने बताया इसका इंटरफेस वगैरह।